हेलो बच्चों, तो आज अपडेट लेकर आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद वाले, ठीक है। मिसेज एमएसएस शर्मा इलाहाबाद वाले, तो वहीं पे है इलाहाबाद के अंदर, ठीक है, प्रयाग के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फाड़ू बंदे हैं, आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फैन, ये भी फैन, ठीक है, श्री आशीष सर, ठीक है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट है, ठीक है, और ये इसके चांसलर है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। एंड ये जो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। ये बहुत ही फाड़ू बंदा है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा के दुपड़ा बिजनेस सेमिनार के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ये भी वहाँ पे प्रोफेसर है, ठीक है, और इसका है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक्सपर्ट है ये, ठीक है, वहाँ का अध्यक्ष वगैरह कुछ है। तो यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो जस्ट अभी एनटीए कंडक्ट करने वाली थी, लेकिन अब एनटीए ने कैंसिल कर दिया है, ओके। तो यूनिवर्सिटी इतने साल जैसे करती थी वैसे ही करने वाली है, अब स्वयं ही करेगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। मिसेज मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वयं ही गठित करेंगे अपना जो एग्जाम वगैरह स्वयं ही गठित करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, ठीक है। एनटीए का भरोसा नहीं है कुछ भी। अगर आप बात करें यूनिवर्सिटी की, तो एनटीए ने इस बार ऐसा किया है कि जो बच्चे लगभग 16 साल के हुए हैं उन्हें फॉर्म भरने का मौका ही नहीं दिया। यहाँ तक कि मैं जब 15 साल का था तब मुझे जस्ट IIT में एडमिशन मिल गया, इस बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा। JEE का फॉर्म भर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नहीं भर सकते। तो ये एनटी के लिए थोड़ी बड़ी मेल वगैरह भी डाला हो सकता है, उनके सिस्टम में गड़बड़ हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ है एनटी के। तो अगर इनके एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो जस्ट एडमिशन प्रोसेस जस्ट इसी वक्त फॉर्म आने की संभावना नहीं थी, देने वाली थी कॉन्ट्रैक्ट, अब वो नहीं हो पा रहा है। तो एनटीए की जगह ये स्वयं ही कंडक्ट करवा रही है, तो इसकी वेबसाइट पे जल्द ही अवेलेबल होगी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय एडमिशन अप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, ठीक है। तो आप अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर अगर डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, अगर आपको एरोस्पेस ग्रोइंग इंडस्ट्री इसरो जिसकी ओर छलांग लगा रहा है, इलोन मस्क छलांग लगा रहा है, तो उसमें एडमिशन चाहिए, तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसरो के इंस्टीट्यूट और जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है 01499999 के प्राइस के अंदर, ठीक है। वो हमारी प्राइम मेंबरशिप है जिसके अंदर हम आपका एडमिशन तो करते ही हैं, साथ ही टीचर फैकल्टी से भी कॉन्टेक्ट करवाते हैं आपको, ओके। थैंक यू गाइस, हैव नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। और अपना खूब ख्याल रखिएगा और खूब पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही कम मजा कीजिएगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो जल्दी अपना अपडेट डाल देगी, ठीक है, और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और इसके अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो ये जस्ट हमेशा की तरह ही होगा, इस बार नहीं कर पा रहा है, ठीक है। शायद हो सकता है अगली बार एनटीए कंडक्ट करे या ना करे, लेकिन इस बार तो एनटीए ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, आप देख सकते हैं, जस्ट मैं आपको शो कर देता हूँ अभी, या फिर आप न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर भी डाल सकते हैं कि देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है। और इसका कैंपस बहुत ही अच्छा है, ठीक है, प्रयाग के अंदर है ये जस्ट, ठीक है, प्रयाग के आसपास ही, प्रयाग के अंदर इलाहाबाद। और यहाँ पे ऑलमोस्ट कल को कोर्स वगैरह चेक कर देते हैं क्या क्या कोर्स। ओके गाइस, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इनके पास जो कोर्स है वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर जूलॉजी है, और भी देख सकते हैं आप, ठीक है, इतने सारे कोर्स बताना बोल पाना थोड़ा मुश्किल है, ओके। तो ये BTech वगैरह ऑलमोस्ट सब कुछ देता है, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, वाह वाह क्या बहुत है, बहुत है, वाह, इलाहाबाद मिसेज मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, आप हमारी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको अच्छे अच्छे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 999999 के प्राइजेज के अंदर आपको 10-70 लाख रुपये तक आप देखिए सपोर्ट कर रहे हो। हो सकता है 4 साल बाद आपका प्लेसमेंट होगा तो आपका प्राइजेज डबल भी हो सकते हैं, 202-203 करोड़ भी हो जाए। तो आपके लिए 1-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो काउंसलर है मार्केट के अंदर वो 20K to 50K प्राइजेज ले रहे हैं। जब मैंने अपनी JEE की काउंसलिंग की थी तो मुझे प्राइजेज लगभग 29K पड़ा था, ठीक है, और वो भी मैंने रिक्वेस्ट करके कम किया था कि बहुत गरीब इंसान कम की थी, वरना 50K से ज़्यादा ही जाता है जो सब मेरा था। ओके, यू कैन गेट एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओके, आप नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग ग्रोइंग कोर्सेज लाइक एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, BBA, कंप्यूटर साइंस,
मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, और एरोस्पेस का प्रकोप एरोनोटिकल का कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये एलोन मस्क है, जेफ बेजोस है, इस इंडस्ट्री के अंदर घुस रहे हैं, उस प्रकार से इसका प्रकोप कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो आप भी प्रकोप के अंदर घुसे, ठीक है, समय के साथ पढ़ोगे तो ठीक है, वरना समय आपको बदल देगा। ठीक है, तो समय के साथ बदलते रहो, वरना अपने आप ही बदल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।